हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व ट्राइंगल प्रोग्राम। इन दिस प्रोग्राम वी विल चेक ट्राइंगल इज वैलिड और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ थ्री एंगल्स। और इस वीडियो में आपको स्टूडेंट एंड टीचर का जबरदस्त लाइव डिस्कशन भी देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो सर। हाँ, क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। Write a program to check whether a triangle is valid or not when the three angles of the triangle are entered through the keyboard. A triangle is valid if the sum of all the three angles is equal to 180 degrees. Yes. So, according to question, starting से start करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक class बनाना होगा. Class. ट्राइंगल नाम से क्लास बना लेते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हमें एक फंक्शन बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी जो हम इस प्रोग्राम को करेंगे स्कैनर के थ्रू नहीं कर रहे हैं, फंक्शन आर्गुमेंट्स के थ्रू करेंगे। यहाँ पर हमें फंक्शन आर्गुमेंट्स पास करने हैं। हाउ मेनी आर्गुमेंट्स वी नीड टू पास हियर? इंट ए, इंट बी, इंट सी। राइट और उसके नीचे पहले मुझे बताओ, वेट, इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी, ये समझ में आया आप सभी को? हाँ सर। ये थ्री वैल्यूज ही हमने क्यों एंटर की? हमजा ऋषि सर। यस सर। हाँ आप लोग तो बोलो। यस सर। ये समझ में आया ए बी सी हमने क्यों लिया? ऋषि सर मुझे भी थोड़ा जरा नहीं। हाँ तो जस्ट यहाँ पर हमने थ्री वैल्यूज इसलिए लिए हैं क्योंकि उन्होंने बोला है, यहाँ तो टास्क दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ ट्रायंगल इज नॉट वैलिड और नॉट। ये तो टास्क है। व्हेन थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, दिस इज द इनपुट पार्ट। व्हेन थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, दिस इज द इनपुट पार्ट। एंड इन द राउंड ब्रैकेट वी यूज इनपुट पार्ट। ओके, जो भी हमें इनपुट करना होता है वो हम ये लेते हैं। अगर यहाँ होता एंटर टू एंगल्स तो हम यहाँ टू लेते, एंटर थ्री एंगल्स तो थ्री लिया है, एंटर फाइव एंगल्स तो हम यहाँ फाइव लेते। बस जितना आपको इनपुट करने के लिए दिया जाएगा, अगर वो बोलते हैं इनपुट नेम तो हम यहाँ स्ट्रिंग एन कर लेंगे। तो डिपेंड कि कितना इनपुट करने के लिए बोला जा रहा है, तो इनपुट का ऑल टास्क आपका यहाँ आएगा। अब समझ में आया? हाँ सर। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर हमें चेक करना है ट्राइंगल इज वैलिड और नॉट, और यहाँ दिया है ट्राइंगल इज वैलिड इफ द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180। इसका मतलब हमें एंगल्स का क्या करना है, सम निकालना है और उसको कंपेयर करना है 180 से। ऑल थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, जस्ट आपको मैप करना आ जाना चाहिए। एक बार आप मैपिंग समझ जाओगे कि क्वेश्चन से आंसर कैसे करते हैं, इजिली आप कर पाओगे। हाँ रेहान स्टार्ट। First we need to get the sum. Int sum is equal to a plus b plus c. Sum के अंदर क्या आ गया? A B C का sum आ गया, right? अब वो A B C का sum कुछ भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 340 भी हो सकता है, कोई भी, जो भी आप angles में value डालोगे उसके according sum आ जाएगा, right? यहाँ तक कोई yes, परेशानी? आप एज्यूम भी कर सकते हो कि सपोज आपने ए में एंटर किया 45, बी में एंटर किया 90 और यहां एंटर किया 20, तो इसका सी के अंदर सम क्या आएगा बताइए मुझे। ये 45 है सर, 155, राइट? तो yes, यहाँ पर इस 155 को हमें चेक करना है क्या ये 180 है। तो उसे चेक कैसे करेंगे वो देखिए, हम लगाएंगे इफ सम डबल इक्वल टू 180। सर हम वो डबल इक्वल टू क्यों डालते सर? वो हाँ। मुझे समझ नहीं। ओके तो वन डबल इक्वल टू का अच्छा डाउट है कि डबल इक्वल टू क्यों डालते हैं। रेहान ऋषि आप, सॉरी हमजा ऋषि, आप में से कोई बता पाएगा कि डबल इक्वल टू का क्या यूज है?
और नहीं कब और कब डालते हैं राइट। एंड यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आता है दैट इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन फॉर एग्जाम्स, वो क्या है, सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू, तो वो भी अभी क्लियर हो जाएगा सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। अगर यहाँ कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ आ जाएगा इट इज वैलिड ट्राइंगल, और यहाँ आ जाएगा इट इज नॉट वैलिड ट्राइंगल, और उसके बाद में इज इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा। ओके, तो आज के टॉपिक में आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। पहले मैं मैसेज लिख देता हूँ। अभी के केस में कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा पहले मुझे बताइए। योर एंगल्स इज 45, 90, 20, तो इसका सम कितना आया 155। इस कंडीशन ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। सीधा हम कहां जाएंगे? नॉट वैलिड ट्राइंगल, इट इज नॉट वैलिड ट्राइंगल या इट इज इनवैलिड ट्राइंगल बोल भी सकते हैं। तो यहां पर ये हो गया। अब पॉइंट आता है कि when do we use is equal to sign or when do we use double equal to sign, what's the difference between both? ये एक popular question है जो exam में आता है, even आपके 9th standard के exam में मिल भी जाएगा आपको। okay, coming exam में नहीं मिलेगा तो next में आ जाएगा, next में नहीं मिलेगा तो prelims में आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा ये वाला question। single equal to is a assignment operator, operator used to assign the value. Yes. Yes, sir. From left to right to left. From right to left. Always remember right to left is a main point. It assigns value from right to left. Okay. Because if you write C is equal to A, so इसमें क्या हो रहा है? A का value C में transfer हो रहा है. अगर आप A C is equal to A लिखते हो तो. Yes, sir. हमेशा right to left transfer करता है. Double equal to is a relational operator. यहाँ लिखिए डबल इक्वल टू इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। इट हेल्प्स टू चेक बोथ साइड्स आर इक्वल और नॉट। इट हेल्प्स टू चेक बोथ साइड्स आर इक्वल और नॉट। इफ बोथ साइड्स आर इक्वल इट गिव्स ट्रू, इफ बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल इट गिव्स फॉल्स, जो कि आप यहाँ पर एज अ एग्जांपल देख भी सकते हो। सम का जो वैल्यू है अगर वो 180 नहीं आता है तो ये आपको फॉल्स देगा, अगर 180 आ जाता है तो ये आपको ट्रू देगा। तो यहाँ पर ये बोथ साइड्स चेक हो रहे हैं, दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं। हाँ सर समझा था सर, डेफिनेशन में समझा सर। डबल इक्वल टू के डेफिनेशन में ऐसा लिख सकता हूँ, डबल इक्वल टू इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, इट हेल्प्स टू चेक बोथ वेदर बोथ साइड्स आर इक्वल, बोथ साइड्स आर इक्वल और नॉट, बोथ बोथ थिंग्स इट विल चेक। ओके सर, है ना? यस सर, क्योंकि ये आपको ये भी बताएगा दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं, अगर हैं तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो नहीं को भी बता रहा है ना ये, बिकॉज अभी 55 आया था तो उसने बताया कि दोनों इक्वल नहीं है, तो सीधा आ गया नॉट अ वैलिड ट्राइंगल। और अगर आप ए बी सी की वैल्यू ऐसा डालते हो कि 180 आ जाए, है ना, तो आपका ये आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल चूज भी कर लेते हैं, सपोज इसमें आपने 45 एंटर किया, है ना, यहाँ पर भी 45 एंटर किया एंड यहाँ पर 90 एंटर किया, तो 45, 45, 90, 180, तो सम का वैल्यू आ गया 180, तो ट्रू आ जाएगा और आंसर आ जाएगा, इट इज अ वैलिड ट्रायंगल। पहले वाला सिस्टम एसओपी पहला वाला, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगा ट्रू। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और किस टाइप से हम लिखते हैं वो भी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रह गया आप तीनों में से किसी को भी? नहीं सर। नहीं।